अंशु, हम लोग एक गेम प्लान करते हैं। खेलोगी? पक्का? चैलेंज दूंगा मैं तुम्हें, एक्सेप्ट कर लोगी? चलो ठीक है, तो पहले गेम हम उसको पूरी तरीके से इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ कि कैसे खेलना है, ठीक है? अंशु देखो, मैंने अब पूरा गेम ना सेट कर दिया है। ये देखो, ये दिखा दे रहा हूँ, चलो चाचा चलो दिखाता हूँ। देखो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये दो कॉलम बनाए हुए हैं, बीच में क्रॉस है, सिंगल है, ये डबल, ये ऐसे करके पूरा ये गेम पूरा ऐसे घूम रहा है। स्टार्ट होते 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 ये एंड पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है? अब इसमें करना क्या है, पता है क्या करना है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें एक्चुअली करना क्या है। इसके अंदर ये जो स्टार्ट पॉइंट है, ये बीच का जो क्रॉस है, इसके ऊपर हमें जंप नहीं करना है, ठीक है? करके दिखाओ। पहला दोनों के अंदर कॉलम के अंदर पैर आने चाहिए स्टार्ट से, ये वाइट हाँ वाइट वाले के अंदर ये। अब आगे चलो सिंगल पे, एक पे एक टांग उठा के, हाँ ये बिल्कुल। तो तुम्हारा अब टर्न शुरू हो रहा है, राउंड नंबर वन स्टार्ट। बढ़िया, सिंगल डबल क्रॉस, सिंगल डबल क्रॉस सिंगल। ओ भैया, तुमने तो फर्स्ट राउंड में ही क्लियर कर लिया, ये तो बहुत बढ़िया करा तुमने। अंशु अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है, इसमें पता है तुम्हें क्या करना है? इसमें बीच में जो ये टेडीज रखे हैं, इनके ऊपर पैर तुम्हारा टच नहीं होना है, और उसी हिसाब से जैसे तुमने पहले राउंड क्लियर किया था चलना सेम वैसे ही। अगर तुम्हारा टेडीज पे इनके बीच में पैर टच हुआ तो तुम गेम से आउट। तो स्टार्ट, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। ये गुड, ये गुड 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 गुड। ओ माई गॉड, राउंड टू भी क्लियर कर लिया। हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। अब थोड़ा और डिफिकल्ट बना देता हूँ, इन वाले टेडीज को मैं यहाँ से हटा के ये बड़े वाले थोड़ा सा रखता हूँ, डक को यहाँ पर, और इसकी जगह मैं रखता हूँ बिली ब्लू टेडी को यहाँ, और ये थोड़ा सा इधर करो, ये बीच में स्पेस दो, ये हो गया। और इसको फेंकते नहीं है, छोटा बाबू पिंकी बाबू है, पिंकी बाबू को इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे करके, और डॉल वही थी, और ये हमारा छोटा पपी, इसको हम यहाँ लेके जाते हैं यहाँ, ठीक है? नंबर थ्री, राउंड नंबर थ्री अंशु स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, ये बड़े वाले जो टेडीज हैं इनको सेम एज इट इज टच नहीं करना है, और जैसा तुम कर रही थी वैसे करना है। थोड़ा हार्ड हो गया है, तो तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। ये गुड गुड, टच हो गया, टच हो गया, डक से टच हो गया, डक से टच हो गया, तुम डिस्क्वालीफाई हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गई, तीसरा राउंड तुमने जीत पाई है, पी ये पी। अच्छा परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, एक चांस और है तुम्हारे पास, और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। टच हो गया, ब्लू वाले से टच हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो चलो डक से, ये गुड, हो गया हो गया हो गया। तुमने अपना यहाँ पे सिंगल पैर रखा है, इसका पैर आउट हो गया, तुम्हारा ये राउंड भी डिस्क्वालीफाई। देखा मैंने कितना डिफिकल्ट गेम बनाया, तीसरा राउंड तुम क्रॉस ही नहीं कर पा रही हो, मजा आया ना? पापा मैं तो चैलेंज हार गई, अब आप करके दिखाइए। अच्छा मुझे चैलेंज दे रही हो तुम, करके दिखाऊंगा तुम्हें, करके दिखाइए। तुम्हें लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा? नहीं। अच्छा तो कर लूं? योर टाइम नाउ, योर टाइम नाउ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। अच्छा ठीक है, भाई करके दिखाता हूँ, ये देखो, वन टू। देखा मैं तो तेरे हार गई, आप हार गए। अच्छा
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बनाने नहीं दे रही लेकिन ये व्लॉग मेरी गर्दन पे लटकी है। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग भी सुबह उठ गए क्योंकि अंशु की क्लास थी सुबह 9:30 से 11:30 तक फुल ऑन क्लास चली है। तो 11:30 बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी, आप लोग उसे देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंशु का ब्रेकफास्ट सुबह हो गया, अंशु का ब्रेकफास्ट हो चुका है, मेरा अभी नहीं होगा। 11:00 तक ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ मैं, ये देख लो। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपने आज की डे की जर्नी। फाइनली ब्रेकफास्ट आ गया है, आलू पराठा मिल्क और चटनी के साथ। आज बहुत मज़ा आने वाला है। और अंशु उधर देख रही है व्लॉग्स। किसका व्लॉग देख रही हो? सौरभ जोशी की फैन हो तुम। अंशु यहाँ बैठ के क्या कर रही तुम? तो मोबाइल से खेल रही हो? मैं डोरेमोन का सॉन्ग सुनाऊं? हाँ सुना दो। दिगी सवार दूं, एक नहीं बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यार सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। आ जाओ सच, ऊपर आ जाओ। चलो टाइगर, टाइगर को देख, टाइगर को देख ले। वो कर क्या रहा है? अपने घर में सो रहा है या कहीं और सो रहा है? ये टाइगर का घर हमने अपने रूम में लाके रख दिया था और वो ये सो रहा है, यहाँ अंदर सो रहा है। टाइगर दिख नहीं रहा, अंधेर हो रहा है घर के अंदर। तो मैं और अंशु आ गए हैं छत पर। आज 1st of December है और ठंड ने अपना आगाज शुरू कर दिया है, दिखा दिया है कि दिसंबर में ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। तो आज धूप ही नहीं निकली है, बादल ही बादल है चारों तरफ, जैसे आप देख रहे होंगे। पता नहीं दिख रहा है निकला कैमरे में के लिए, लेकिन बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुबह अभी 8 ही बजे और सूरज वहाँ ऊपर है और दिखाई नहीं दे रहा। सही से चलाओ ना एकदम, अब लगा फोर्स लगाओ उसमें तभी तो चलेगी वो। ये गिर जाता है हैंडल इसका, इसके सही करा दूंगा मैं हैंडल। ये कराया था यार, तुम चलाती नहीं हो ना इसलिए फिर दोबारा सही नहीं कराया ये। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट ये साइकिल में थोड़ा डिफॉल्ट है, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा इसको सही, ठीक है। आसपास की सड़क भी यार इतनी सुनसान सुनसान से लग रही, छत वत पे भी कोई नहीं है, नीचे 3-4 लोग चल रहे, पूरा सुनसान सुनसान से हो रहा है। बाहर लगी वैसे लोग घर के अंदर ही बैठे क्या? अंशु ने अपने फोर हैंड पे ना ये देखो ये क्या लगा रखा है, ये क्या है? पापा अभी बैटरी का वही बटन दबा दिया। अच्छा ये बैटरी सिग्नल है तुम्हारा, ये है बटन, ये लो मैंने दबा दिया चार्ज हो गई 100%। ये बढ़िया, तुमने अपना इसका गिम्बल का इसके ऊपर लगा लिया स्टिकर है। अंशु मौसम यार इतना लेजी हो रहा है, एकदम नींद नींद सी आ रही है ना, पता नहीं क्यों एकदम बादल की वजह से लेजीनेस हो जाती है। अभी थोड़ी देर बाद मैं सोच रहा हूँ यार मार्केट भी हो जाऊँ अंशु, और वहाँ से कुछ लेके आना है मुझे। हम लोग आ गए नीचे और टाइगर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंशु निकल, अंशु बुला रही है, आ नहीं रहा है वो अंदर। इसकी विंडो में से हाथ डाल लिया तुमने? देखो उसके अंदर कहाँ सो रहा है वो। अरे भैया ये रहा, देखा देखा, बेहोश है ये अंशु, हाँ ये बेहोश है ये, इतना सारा देखो इसने टाइगर ने ना काट काट के डाल दिया यहाँ पे। ये कल इसको दिया था तो पूरा यहीं रूम में पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिया इसने चारों तरफ। ये सब टाइगर की गंदगी है जो करी है इसने। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज करनी है, वहाँ पे लगने वाला है थोड़ा बहुत टाइम। अंशु मेरे साथ नहीं जा रही, अकेले ही जाऊँगा, बाइक से जाऊँगा ऑब्वियसली। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, अभी तक बादल है, धूप नहीं निकली है, तो निकलते बढ़िया सफर रहेगा। तुम्हें चलना है अंशु नहीं चलना मेरे साथ? चलोगी? मैं तो अकेले ही जा रहा था लेकिन। और ये देखो पूरा किचन फैला हुआ चल रहा है काम, खाना बनाने, खाना नहीं बना क्या? अच्छा हॉस्पिटल से भी आई, बाकी कोई नहीं घर पर? मम्मी नहीं आई भी? ओह माय गॉड, पूरा घर फिर से खाली। तो अंशु यार ये मेरे तुम ये इसमें गेम खेल रही हो तुम, तो चलो ही कहाँ पे? अरे मम्मा तैयार तो वो अभी खाना बना रही है ना। पहले मैं अकेला जा रहा था, अब अंशु भी जा रही है मेरे साथ, तैयार होने के लिए उसका ही वेट कर रहा हूँ मैं। तो अंशु भी तैयार होके आ चुकी है लौट के। ये कैप भी लेके आई हो? कैप कौन सा है दिखाना? आई लव पापा, ये तो वही वाला जो मैंने तुम्हें बचपन में गिफ्ट किया था ऑनलाइन जो मंगवाया था, है ना। चलें फिर हम लोग, है ना। चलो बुलेट से ही चलेंगे, बुलेट हमारी एज ऑलवेज हमेशा जैसे गंदी रहती है वैसी गंदी खड़ी हुई है, साफ कर देते हैं लेकिन ये धूल से गंदी हो जाती है यहाँ से। तो चलो निकाल लेते हैं। अंशु को कैप पहना था इसलिए मैंने थोड़ी बाइक रोक दी है। हेलमेट पहन के आऊँगा यार, पूरे बाल खराब हो जाते हैं, हेलमेट का सबसे बुरा ये रहता है, बट
सेफ्टी पहले, बाल चाहे खराब हो ना हो, जल्दी से पहनो। तो हम आ गए हैं जी कम्युनिकेशन, यहीं से लेंगे सामान। अभी भीड़ बहुत है यहाँ पे यार अंशु, इधर की तरफ चलते हैं। तो इस वाली शॉप पे तो हमारा काम हुआ नहीं, अब हम जा रहे हैं गुलजार भाई की जो मेन शॉप है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे हम पेन ड्राइव अपनी नहीं मिल सकती है मेरे ख्याल से। तो अभी ये वाली पेन ड्राइव देख रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट सी टाइप वाली है, और इससे पहले वो वाली देखी थी लेकिन ये वाली ज़्यादा समझ में, क्योंकि डायरेक्ट लग जाएगी ये वाली। तो अंशु यही वाली ले लेते हैं फिर। ये कितनी पड़ेगी उधर भाई? 1150। 1150 ठीक। तो हम लोग रुके हुए यहाँ पेट्रोल पंप के पास में, एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसको मिलना था मुझे, वो भी जस्ट थोड़े से आस पास में ही है। तो अभी हम लोग यहाँ उसका वेट करेंगे, देन उसके बाद मिल के उससे निकलेंगे, पता नहीं कुछ काम है शायद उसको। अंशु मेरे पीछे बैठी हुई है। ये देखो एक्सीडेंट हो गया, बस हम लोग रुके ही थे यहाँ पर और एक कार वाले ने रॉन्ग टर्न लिया और एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग रोड पर ही वेट कर रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं, 10 मिनट हो गए हमारे वेट करते हुए, पता नहीं कौन सी साइड से आ रहा है, इधर से या उधर से। लेट रही हो गया बाइक पे? हाँ बताओ, ऐसे करके लेट जाओ, बहुत थक गई तुम्हें। चलो ठीक है। तो शादाब आ गया, शादाब की गाड़ी जस्ट सामने ही है, DL12CT5941। मिस्टर शादाब रॉयल वंस अगेन। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया बेटे। और क्या अच्छा इंतजाम है? अच्छा कार्ड लेके आए, मेरे भाई की शादी का दोबारा हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत। 5 तारीख का प्रोग्राम है, संडे का दिन। अच्छा 5 तारीख संडे का दिन, दोबारा से फिर से। ठीक है फिर, बाय है ना। ठीक है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में। चलो बाय। चलो अंशु। तो हम लौट के आ गए हैं, गाड़ी को लॉक कर दूँ? चलो। बहुत देर लग गया मैं वहाँ, बहुत जाम था रास्ते में, मज़ा आया, टाइम लग गया फ्रेंड के पास जो है ना। अंशु तुम तो बोर ही हो गई वहाँ पे बस के साथ में। अब जल्दी से हमें खाना वाना खाना है। शादी कार्ड ला। ये तो तुम मुझे ही दे दो। चलो ठीक है, चलो अंदर चलो, अंदर चलते सब लोग, पता नहीं कहाँ। ऊपर ही तो ऊपर ही चलो फिर, फिर ले ले। तुम तो बाल बाल खोल के एकदम वो जाती हो, इसे पैक कर दो, इसे खोल के दिया, एक्सटेंशन बोर्ड ही है। ये ले गया हम, शादाब ने दिया कार्ड। एक बार फिर से रिसेप्शन। दिल्ली बुला रही है हमें। अंजू हमें दिल्ली बुला रही है, सर खा निकाल दियो। तुम तो अंशु आधी मोबाइल में लग जाती हो। टाइगर अंशु, पता है टाइगर तो गायब है? टाइगर ऊपर नहीं है, टाइगर पता नहीं कहाँ है, बाहर निकाल दिया था मैंने उसे, जब से बाहर ही है, जब से उस टाइम में निकला था तुम्हारे सामने। और तुम ये तो बोला नहीं दो टॉफी, एक मेरी आपकी या दोनों आपकी? कौन सी हेल्प ली मैं? गुड 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 गुड। कॉफ़ी बना रही हो तुम? नहीं बना रही हो, मास्क को लगाई हुई हो? अच्छा इसलिए लगाई हुई, तुम्हें जा रही हो अभी? हाँ। नहीं मम्मी अंदर है, पापा कहीं गए हुए। रोज कॉफी पीनी है? मैं रोज पीता हूँ, कभी तुम्हें कोई परेशानी? और रोज मैं टॉफी खाती हूँ। गुड। हाँ जी पापा बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था ये किताब है मेरी गुलगस्ता उर्दू है। अच्छा जो एजुकेशन बुक हाउस में भाई असद भाई। अच्छा उनको उनको जाके देनी है, डिमांड आई है और वो शायद मेरे खाते किसी लाइब्रेरी से उनके पास डिमांड आई है। अच्छा ये उनको दिया अभी, कह देना और किताबों में कोई डिमांड हो तो बता देना। ठीक है मैं अभी देख आता हूँ, जा रहा हूँ इसमें रख के बैग में रख के ले जाता हूँ फिर है। पापा की बुक मुझे यहाँ डिलीवर करनी है एजुकेशन बुक हाउस में, तो यहीं डिलीवर कर देता हूँ, बाइक मैंने खड़ी कर दिया था। तो मैं लौट के अपने घर पर आ गया और अब मुझे लग रही बहुत तेज भूख सारी ऊपर है, तो मैं ही अभी थोड़ा गर्म कर देता हूँ खाना वाना। तो थोड़ा सा रात तो हो रही लेकिन चावल खाने का मन कर रहा है, तो चावल ही गर्म कर लेता हूँ यार, मैं चावल ही रख देता हूँ गर्म करने के लिए, जल्दी से गर्म हो जाएंगे फिर मैं खाऊंगा। पूरे बर्तन ऊपर रखे हुए हैं धो के, कल लगेंगे शायद मैं कर दे पाऊँ, क्योंकि पानी निकालने के लिए लोग स्लैब पर रख देते हैं, माइक्रोवेव में गर्म नहीं कर रहा, क्योंकि फिर बाउल निकालना पड़ेगा ये सब चीज़, इसलिए गैस भी गर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर क्यों बैठी हो तुम हैं ऐसी? खाना तो गर्म कर लिया था मैंने, कॉफ़ी ले आया तुम, कॉफ़ी बना देना।
मैं ऊपर ही जा रहा हूँ खाना खाने, ठीक है? मैं ऊपर ही ले गया था, अभी भाग के जाके कॉफी लेके आया हूँ। नहीं नहीं, इतना ही चाहिए मुझे, ठीक है? मैं ऊपर जा रहा हूँ। तुम यही हो नीचे? हाँ, नया नया पजामा लोअर, बढ़िया है। चलो ऊपर ही चल रहे हैं। स्टूडियो बैठ के मोबाइल चला रही हो तुम? वैसे ये कौन लेके आया तुम्हारा नया लोअर? मम्मा लाई है। अच्छा लग रहा है, मैचिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है, कलरफुल वाला है। खाना तो मैंने खा लिया है, अब बस हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कॉफी जल्दी से आ जाए। तो फाइनली कॉफी आ चुकी है, कॉफी ले आई तुम्हें? बढ़िया, ये काम तुमने बहुत बढ़िया करा। और अंशु हमारी बॉटल लेके जा रही है पानी की, एंटीना आई। तो ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं रात के, और मेरे पास अब आई है कॉफी। तो पहले कॉफी का मजा लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। अंशु आ जा यार, इसको इसको कर दें। ये अम्मा तुम्हारी लेके आई है नीचे से, देखो ये टूट गई यार, ये नई चेयर, ये पता है इसकी, उसकी डाइनिंग टेबल की चेयर है, कर देते हैं सही से, जोड़ देते हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट रात के 12:30 बज चुके हैं, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा गेम को बंद करने का, अंशु का तो बिल्कुल नहीं कर रहा, वो अभी भी लगी हुई है, लेकिन हमें इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी एडिटिंग भी करनी है और अंशु की सुबह ऑनलाइन क्लास होती है तो उसे जल्दी भी उठना होता है। तो इस आज के इस पूरे दिन के एंटरटेनमेंट को करते हैं अब यहीं समाप्त। होपफुली आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हो, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज उसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।